हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक हो गए। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। भाई, आप लोगों ने जितना प्यार दिखाया ना, मतलब कि दीदी आप ब्लॉग स्टार्ट करो, दीदी आप ब्लॉग स्टार्ट करो, मैम आप ब्लॉग स्टार्ट करो, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। क्योंकि मुझे नहीं पता था मेरी यूट्यूब फैमिली मेरे से इतना प्यार करती है, इतने इमोशनल मैसेज छोड़े, इतने मतलब एक दो तो ऐसे हुए मेरे साथ। जैसे एक कस्टमर आई, बोले मैम आपने ब्लॉग क्यों बंद कर दिए, तो उसी टाइम कुछ और बात होगी। मुझे ऐसे नहीं, वो हो गया तो पता है एकदम बीच में क्या करे, मैडम पहले ये बताओ ब्लॉग बंद क्यों कर दिए, बात बाद में बदलना। मैं भैया ऐसी कोई बात नहीं है जो मैंने ब्लॉग बंद कर दिए, क्योंकि मुझे थोड़ा सा शॉर्टकट में ज़्यादा चीज़ें वो करती हूँ, तो इसलिए थोड़ा शॉर्टकट में ज़्यादा चली गई थी मैं। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है ब्लॉग बंद करने वाले, कुछ फ़ोन की स्टोरेज ऐसे फुल हो जाती है और फिर वो ब्लॉग वो एडिट करती हूँ, वो एडिट नहीं होता है, फिर वो अपलोड नहीं होता है, तो ये सब चीज़ें करके है ना छोड़ दिया था कि भाई मैं ब्लॉग नहीं बनाऊँगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा सिरदर्दी हो जाती है बहुत। कई बार तो ब्लॉग इतनी मतलब ब्लॉग बनाओ और वो एडिट ना हो, एडिट करो तो फिर वो अपलोड ना हो, तो ये सब चीज़ें सोच के बंद कर दिए थे। बाकी और ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोगों का जितना प्यार देखा ना, बहुत थैंक यू भाई, दिल से थैंक यू कि आप लोग इतना प्यार करते हो। एक का कमेंट आया कि मैम आपके ब्लॉग देखे बिना तो मन ही नहीं लगता दादी का और मम्मी का, तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद आंटी जी, क्योंकि मुझे नहीं पता था आप लोग मेरे से इतना प्यार करते हो। अब मैं ब्लॉग बनाना बिल्कुल बंद नहीं करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसी के साथ करते हैं भाई दिन की शुरुआत। आज 11 से और मैं जल्दी उठ गई थी, मैं नहा धो के पूजा करके वो कर रही हूँ, उस साइड मोनी आई हुई है वो कर रही है झाड़ू पोछा और मैं पी रही हूँ चाय साथ साथ। तो चलिए करते हैं दिन की शुरुआत इसी के साथ। ब्राइड का मेकअप चल रहा है।
लिपस्टिक निकाल लो भाई, लिपस्टिक पूरे से लिपस्टिक। देखो भाई हमारी क्यूट सी लड़की तैयार हो गई है और कितनी प्यारी लग रही है। देखना मतलब लिपस्टिक देखो कितनी अच्छी लग रही है, उसके डार्क लगाती ना तो बिल्कुल नहीं, मतलब है ना, इसीलिए तो के मतलब बहुत ही उन्हें क्या करे ना जट्टा की छोरी कड़े मेकअप कौन करे अगर है तो वो वाली चीज। वाओ देखो कितनी सुंदर लग रही है हमारी लड़की। बुटीक वाली मैडम को अच्छे से पता है कैसे सेट करना है लहंगे को, ठीक है पता है ना बुटीक वाले मैडम को कैसे सेट करते हैं, बताना मैडम कोई आगे से करे तो आगे से बता दो, आगे से कोई लहंगा भेजो भाई। ये देखो इसको ना ऐसे उठा के नहीं करना, मतलब जैसे इसको ना ये हटा के और इसको अब घुमाना है ऐसे, ये देखो ऐसे सिर्फ इसकी सलवटें वैसे खोलनी है, ऐसे ऐसे नहीं करनी, नहीं तो कोई भी सलवट खुलगी ना तो फिर वो बिल्कुल उठा उठा हो जाएगा। घूमो जरा एक बार, बिल्कुल ओपन नहीं वो करना है, ये देखो इसको बस ऐसे अच्छा ये ऐसे करके अच्छा ये लो बस। तुम लोग सीख लो ठीक है ना, ताकि आगे से गैलेक्सी वाले मैडम रोज नहीं आएंगी। हाँ ये तो अपने कस्टमर के लिए आई है, अपने लिए नहीं आई है। हाँ। बता दें तो किसके लिए आई, बताना बेटी के लिए आई है। अच्छा अपनी बेटी के लिए आई है भाई, प्यारी बेटी है ये देखो भाई प्यारी बेटी। इसके लिए सारी हुआ ये हाँ ये बेटी कितने साल की माँ और कितने साल की बेटी, देखो भाई ये साड़ी पहनाते हुए वीडियो दिखाएंगे भाई, साड़ी कैसे पहननी चाहिए, बिल्कुल अड़की साड़ी है। साड़ी की तो ना वीडियो सच में बना लो है ना, साड़ी तो आज बनाऊंगी, साड़ी सिखानी है ना किसी को, साड़ी सीखनी हो तो आज सीख लेना भाई, आज पूरी वीडियो बनेगी। हाँ जी मैडम बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है साल से मेकअप करवा के। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, यहाँ का स्टाफ बहुत ही कोऑपरेटिव है और मेरा पहली बार मेकअप कराया पार्लर में, मेरे को बहुत अच्छा लगा। हेलो सोनू सर कहाँ हो? ये लड़कियाँ बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं, बस गाड़ी का वेट कर रही हैं और फिर ये गाड़ी में बैठ के निकल जाएंगी। इनकी गाड़ी में जगह है, अगर आप किसी और को बिठाओ तो मैं इनके साथ बैठ के जाऊँ। लो कर दिया, मतलब इनकी गाड़ी में जगह तो है ही, वो कुलदीप कह रहा था ना। देखो भाई तैयार हो जाते हैं, जल्दी कर दो जल्दी कर दो, लेकिन बाद में इतना टाइम लगा देते हैं बहुत ज्यादा। ये देखो कितनी बजे आए थे ये, अरे अभी बड़े भारी इयररिंग पहन रहे हैं। वाह वाह